प्रत्येक मनुष्य एक कल्पनाशील तथा कर्म स्वतंत्र इकाई है। इस कल्पनाशीलता तथा कर्म स्वतंत्रता के बलबूते हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय करी है, किंतु मनाकार को साकार करने वाले हम अभी भी अपनी मूल इच्छाओं से बहुत दूर हैं। उदाहरण के लिए, इच्छा तो हमारी है कि वसुधैव कुटुंबकम इस धरती पर आ जाए, धरती स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, किंतु जो कार्यक्रम हमारे पास हैं, जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, उन्होंने हमारे लक्ष्य से हमें दूर ले जाने का ही काम किया है। मध्यस्थ दर्शन कहता है कि बिना प्रत्येक इकाई के रूप, गुण, स्वभाव तथा धर्म का अध्ययन किए यदि मानव उसका उपयोग अथवा उपभोग करेगा तो प्रदूषण से कम नहीं करेगा। इसे ही दूसरी भाषा में कहते हैं कि ऐसा भ्रमित मनुष्य कर्म करते समय तो स्वतंत्रता को महसूस करेगा, किंतु फल भोगते समय परतंत्रता अथवा दुख को ही महसूस करेगा। जागृति के बिना हम सच्चे अर्थों में कर्म स्वतंत्र हो नहीं सकते, और कर्म स्वतंत्र होने के लिए प्रस्ताव हमारे पास है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा हम सभी के भीतर समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय तथा इस पूरी धरती पर सह अस्तित्व के रूप में प्रकट हों, ऐसी शुभकामनाएं इस जन्माष्टमी पर।